अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का डे जो था वो बड़ा ही मुश्किल डे था। कब से लाइट नहीं थी, 3-4 घंटे हो गए थे लाइट नहीं थी। हम बड़े परेशान थे कि पता नहीं क्या वजह है, शायद पता नहीं हमारी लाइट ख़राब है या वैसे ही नहीं आ रही। तो शाम आई थिंक 4 बजे से गई हुई थी और अब मगरिब और अंधेरा हो गया और अब जाके लाइट आई है। लाइट ही नहीं आ रही थी और इतनी मुश्किल हो रही थी। तो आप लोगों से ये हमारे काके को देखे झूले में लेटा हुआ है, इंजॉय कर रहा है। इतनी सोना था, यूपीएस भी हमारा बंद हो गया था। तो जब लाइट चली जाती है ये डे गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। अगर लाइट ना हो तो वो डे गुजारना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ये समझ आती है जिन लोगों की इतनी डे अगर लाइट ना हो तो वो कैसे उतने स्पेंड करते हैं। तो ये छोटा काका रो रहा है, ये कहता है कि मुझे झूले दे दो, इसको भी मैं झूले देती हूँ। आज आदिल कहीं गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि व्लॉग मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि आज आपसे, क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट में हम बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद होती है, लाइट आने का इंतज़ार होता है कि लाइट आएगी तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब मैं ये सोच रही थी कि हम आपसे क्या बात आज शेयर करें। आज आदिल भी नहीं है तो एक बात माइंड में आई है कि आई थिंक 3 डेज बिफोर मतलब वो सैलाब आया है इस्लामाबाद में, तो इसको भी मैं साथ साथ झूला देती हूँ। इस्लामाबाद में एक सैलाब आया है, ये एक आई थिंक कुदरती आफात है। वैसे तो सब लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह मतलब जहाँ गुनाह ज़्यादा होते हैं अल्लाह मियाँ माफ़ करें, अल्लाह मियाँ हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह मियाँ हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, कहते हैं वहाँ पर इस तरह सैलाब वगैरह आता है। तो सुनने में ये आया था कि बहुत बड़ा ब्लैक बादल था जो फटा और उस वजह से इतना पानी ऊपर से नीचे आया और वो सैलाब जो था वो मतलब सैलाब आ गया। तो लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो वो कुछ मतलब और ही पता चला है कि वहाँ पे जो था एक चश्मा था जहाँ पे अक्सर जब बारिश वगैरह होती है वहाँ पे वो सारा पानी मतलब जो उस एरिया का जो पानी है ना वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये सुना था कि बादल फटा है तो मैं खुद मतलब मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये कैसे, ये तो कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अल्लाह मियाँ हमें ऐसी कुदरती आफात से महफूज फरमाए। तो मैंने सोचा कि ये तो कभी यहाँ भी हो सकता है, बादल तो कहीं भी इस तरह के फट सकते हैं। लेकिन बाद में जब रिसर्च किया तो पता चला कि वहाँ पर एक चश्मा था जहाँ उस एरिया का पानी जो है ना जब बारिश होती है वो सारा इकट्ठा हो जाता है। तो इस दफ़ा बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई और वो लोगों ने वो जो एरिया था उस एरिया का जो पानी है ना वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे जो लोगों ने वहाँ पे अपनी रिहाइश बना ली है, लोगों ने घर वगैरह बना लिए। वैसे लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि जब इस तरह का एरिया ना वहाँ पर इस तरह के मतलब जो खतरात से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर घर वगैरह बना लेते तो इस तरह कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इनको सजा मिली, हालांकि उनको पता होता है इस तरह का एरिया इस तरह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे लोग दरिया के करीब घर बना लेते हैं तो ज़ाहरी बात है जब गर्मियों में पानी ज़्यादा आएगा तो उनका मतलब ज़ाहरी बात है घर डूब जाएगा, वो लोग डूबेंगे। अगर वो इस तरह के एरिया से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली इन चीज़ों से वो ना महफूज रहेंगे। तो अब भी ऐसा हुआ है, उस चश्मे में बारिश बहुत ज़्यादा हुई, पानी इकट्ठा हुआ, लोगों ने वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे घर वगैरह बना लिए थे, वो एक एरिया बन चुका था लोगों के रिहाइश का। तो इसलिए वहाँ पे इतना पानी आया कि इतने लोग डूब गए और काफ़ी लोगों की मौत हुई है और काफ़ी सारी वहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना। बातें करते करते मुझे भूख लग गई थी, खाना वैसे बन चुका था तो मैंने सोचा साथ साथ बातें भी की जाए और ये खाना भी खाया जाए। आज देखिए आज हमने पुलाव बनाया है और मैं खाना भी खा रही हूँ और आपसे बातें भी शेयर कर रही हूँ। तो बात मैं कर रही थी कि वो सैलाब वगैरह की जो लोग कहते हैं, वैसे भी हमें अल्लाह ताला की बात करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से कुदरती आफात से अल्लाह ताला हमें महफूज करवाए। तो लेकिन फिर भी मतलब जो लोग मतलब इस तरह के एरियाज में घर वगैरह बना लेते हैं फिर उनकी जान को खतरा होता है। अगर इस तरह हो तो उनको पहले, वैसे होता तो ये सडन ही है, मतलब पता नहीं होता कब किस टाइम किस तरह हो जाए, या फिर ये होता है कि शायद अल्लाह ने
उनकी जो कहते हैं ना कि एक अल्लाह की तरफ से खाना मैंने खा लिया। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आज आदिल नहीं है तो इंशाल्लाह कल आदिल होंगे। कल और ज़्यादा अच्छा व्लॉग बनाएंगे और हम साथ मिलके बनाएंगे और काफ़ी सारी बातें आप भी शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें भी शेयर करेंगे आपसे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।